दुबई से सोना खरीदने में क्या है फायदा, चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूआई खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे ऐप अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें, डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है प्ले स्टोर पर जाकर अरब टाइम्स ऐप, वहां पर आपको ऐप दिखेगा, आप उसे वहां जाके डाउनलोड कर सकते हो। सो डाउनलोड नाउ। भारत हो या दुबई, अभी दिवाली की खूब धूम चल रही है। अब दिवाली है तो आप धनतेरस को कैसे भूल सकते हैं। इस दिन लोग सोना खरीदते हैं और क्योंकि इस दिन सोना खरीदना शुद्ध माना जाता है, भारतीयों की पसंदीदा जगह दुबई सोना खरीदने की जो जगह है आप उसे भी नहीं भूल सकते क्योंकि वहाँ सोना सस्ता मिलता है। चलिए बताते हैं कि दुबई से सोना खरीदने में क्या फायदा है और क्या नुकसान। सबसे पहले जान लीजिए कि सोने की पहचान कैसे कर सकते हैं। तो बता दें, भारत में सोने की ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा एक हॉलमार्क लगाया जाता है। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की गारंटी देता है। एक सोने का छोटा सा टुकड़ा नाइट्रिक एसिड में डुबोया जाता है। यदि सोना शुद्ध है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। यदि सोने में अशुद्धियां हैं तो एक प्रतिक्रिया होती है। एक सोने का छोटा सा टुकड़ा पानी में डुबोया जाता है। यदि सोना शुद्ध है तो यह पानी में डूब जाएगा। यदि सोने में अशुद्धियां हैं तो यह पानी में तैरता रहेगा। सोना एक गैर चुंबकीय धातु है। यदि कोई धातु एक चुंबक द्वारा आकर्षित होती है तो यह सोना नहीं है। सोने को हमेशा एक विश्वसनीय विक्रेता से ही खरीदें। अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो सोने की ज्वेलरी खरीदते समय बिल जरूर मांग लें, वरना आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बिल में सोने की शुद्धता और भार का मेंशन होना ज़रूरी है। सोने की ज्वेलरी को सावधानी से संभालें। सोना एक नर्म धातु है और इसे खरोच या डैमेज होने से बचना चाहिए। दुबई से सोना खरीदना फायदे का सौदा है या घाटे का सौदा, वह इस बात पर निर्भर करता है कि आप सोना किस शुद्धता और मात्रा में खरीद रहे हैं। दुबई में सोने की कीमत भारत की तुलना में आमतौर पर कम होती है। हालांकि दुबई से सोना खरीदते समय आपको मेकिंग चार्जेस और करेंसी कन्वर्जन फीस के बारे में पता होना चाहिए। मेकिंग चार्जेस सोने के आभूषणों को बनाने की लागत है और यह भारत और दुबई दोनों में समान होता है। करेंसी कन्वर्जन फीस भारतीय रुपए को दुबई दिरहम में बदलने की लागत है। अगर आप 24 कैरेट सोने की बड़ी मात्रा खरीद रहे हैं तो दुबई से सोना खरीदना एक अच्छा सौदा हो सकता है। हालांकि अगर आप कम मात्रा में सोना खरीद रहे हैं तो मेकिंग चार्जेस और करेंसी कन्वर्जन फीस लाभ को कम कर सकती है। यहाँ दुबई से सोना खरीदने के लिए कुछ फायदे और नुकसान दिए गए हैं। फायदे की बात करें तो बता दें, सोने की कीमत भारत की तुलना में कम है। वही वाइड वैरायटी मिल सकता है आपको यहाँ पर और अच्छे स्तर की क्वालिटी भी मिल जाती है। नुकसान की अगर बात करेंगे तो बता दें, मेकिंग चार्जेस और करेंसी कन्वर्जन फीस काफ़ी ज़्यादा है। आयात प्रतिबंध यानी कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन हो सकता है। अगर आप दुबई से सोना खरीदने पर विचार कर रहे हैं तो आपको अपने ऑप्शंस को सावधानी से नाप तौल कर लेना चाहिए। वही भारत में सोने की शुद्धता को कैरेट में मापा जाता है। 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है जबकि 9 कैरेट सोना सबसे कम शुद्ध होता है। आमतौर पर सोने की ज्वेलरी 18 कैरेट या 22 कैरेट में बनाई जाती है। दिवाली के दिन अबू धाबी मंदिर में होने वाली है खचाखच भीड़। दिशा निर्देश जारी। अगर आप दिवाली के मौके पर अबू धाबी स्थित मंदिर जाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। अबू धाबी के BAPS हिंदू मंदिर ने अपने पहले दिवाली समारोह में आने वाले लाखों विजिटर्स की तैयारी में मदद करने के लिए व्यापक योजनाएं तैयार की हैं। फरवरी में खुलने के बाद से ही पूजा स्थल पर 1.5 मिलियन से अधिक विजिटर्स आ चुके हैं और हिंदू कैलेंडर के सबसे बड़े त्योहारों में से एक के दौरान इस सप्ताह भीड़ में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है। आयोजकों ने अबू धाबी पुलिस और सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर मंदिर में यातायात और कतारों का प्रबंधन करने और व्यस्त छुट्टियों के लिए पर्याप्त पार्किंग प्रदान करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। बता दें, त्यौहार को मनाने वाले लोगों की खगोलीय मांग के बाद, जो हिंदू कैलेंडर के नए साल के दिन के समान है, अप्रैल में मंदिर ने विजिटर्स की प्रक्रियाओं में बदलाव किया जिसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली शुरू करना भी शामिल है। BAPS हिंदू मंदिर की टीम ने सोमवार को कहा कि अबू धाबी पुलिस और संबंधित सरकारी अधिकारियों ने यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और कतारों को सुविधाजनक बनाने के लिए विशेष त्यौहार व्यवस्था की है। मंदिर ने कहा है कि पहली भव्य दिवाली के लिए लाखों विजिटर्स की तैयारियों में सहयोग के लिए सैकड़ों स्वयंसेवकों को शामिल किया गया है। दिवाली संबंधी जो भी दिशा निर्देश जारी हुए हैं वो मंदिर में आने से
मंदिर में आने वाले लोगों को फॉलो करने होंगे, जिसमें है विजिटर को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। अपने वाहन से आने वाले विजिटर्स को अल शाहमा F1 पार्किंग में पार्क करना होगा। कार्यक्रम पार्किंग स्थल से मंदिर परिसर तक सरकार द्वारा लगातार बस शटल उपलब्ध कराई जाएगी। लोगों से रिक्वेस्ट है कि वे बैग और धातु की वस्तुएं, आभूषण और अन्य किसी भी सामान को अपने साथ न लाएं। अपनी यात्रा के लिए कम से कम 2 घंटे का समय दें, यानी टाइम दें। बता दें, मंदिर में गुरुवार 31 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक दिवाली दर्शन कार्यक्रम और शनिवार 2 नवंबर और रविवार 3 नवंबर को सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक अन्नकूट दर्शन यानी भोजन का त्यौहार कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। बता दें, दिवाली खुशी, समृद्धि और प्रकाश का त्यौहार है। दुनिया भर में लाखों हिंदू, सिख और बौद्ध धर्मावलंबी मनाते हैं इसे। कई लोग त्यौहार के दौरान धन की देवी लक्ष्मी का सम्मान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि देवी ऐसे घरों की तलाश करती हैं जहां उनका स्वागत किया जाएगा। इसीलिए लोग अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखते हैं और उनके स्वागत के लिए दीप जलाते हैं। तो बता दें कि अगर आबू धाबी मंदिर आप भी जा रहे हैं तो जो दिशा निर्देश दिए हुए हैं आप उसे फॉलो कर सकते हैं, और वरना आपको प्रॉब्लम होगी। मर्सिडीज कार से आया शख्स और सड़क पर बेचने लगा नारियल पानी। आजकल भारतीयों से विदेशी लोग इतना ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं कि वो सिर्फ भारत घूमने नहीं आ रहे, बल्कि भारतीयों से उनके तौर तरीके भी सीख रहे हैं। हमारे तरीकों को सीखकर जब वो अपने देश जाते हैं तो फिर वहाँ पर उसे लागू भी कर रहे हैं। इन दिनों एक विदेशी व्यक्ति का वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो लंदन में नारियल पानी बेच रहा है। विदेशी होते हुए भी उसके नारियल पानी बेचने का जो अंदाज है वो पूरी तरह से देसी है। वो हिंदी में चिल्ला रहा है, पहले तो आप ये वीडियो देख लीजिए। Oh sir, you want one in it? Yes, please. एक दे दो भैया, जल्दी जल्दी ले लो, ले लो ले लो। मैं तो पानी नारियल नारियल पानी पी लो। देखिए, इंस्टाग्राम यूजर @PritamPanj 22 ने हाल ही में ये वीडियो जो है वो पोस्ट किया है, जिसमें एक शख्स लंदन की सड़कों पर नारियल पानी बेच रहा है। आप कहेंगे कि इसमें क्या हैरानी की बात है, तो बता दें, नारियल की पानी बेचना तो आम सी चीज़ है, पर हैरानी की बात है ये है कि वो शख्स जो नारियल पानी बेच रहा है वो विदेशी है, लंदन में मौजूद है, ठेले पर नहीं बल्कि अपनी पुरानी मर्सिडीज कार से नारियल बेच रहा है। सबसे ज़्यादा हैरानी ये है कि वो हिंदी में बोल भी रहा है। वीडियो बनाने वाले शख्स ने विदेशी व्यक्ति से कहा कि एक दे दो भैया, जल्दी जल्दी। ये सुनकर विदेशी शख्स पहले तो नारियल को काटता है, उसके बाद वो कहता है कि ले लो नारियल, नारियल पानी पी लो। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो काफ़ी साफ हिंदी में बोल रहा है। ये वीडियो वायरल हो चुका है और इसे 1 करोड़ से ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रियाएँ भी दी हैं। एक शख्स ने कहा कि हिंदी जल्द ही इंटरनेशनल भाषा बन जाएगी। एक ने कहा कि ये रिवर्स कोलोनाइजेशन हो रहा है। एक ने कहा कि हमारे भारत में भाषा को लेकर लड़ाई चलती है और विदेश के लोग हिंदी भाषा सीख रहे हैं और बोल भी रहे हैं। तो बता दें, ये वीडियो वायरल हो चुका है। इस तरीके की बहुत सारी वीडियो जो है वो निकल कर सामने आती है जहाँ विदेशी भारतीय बोलते हैं, यहाँ तक कि भारतीय भी नहीं बल्कि भोजपुरी में भी बात करते हैं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए तमाम खबरों के लिए। न्यू